आज के क्लास में हम लोग पढ़ेंगे चार्जिंग ऑफ बॉडी बाय कंडक्शन। चार्जिंग ऑफ बॉडी बाय कंडक्शन, चार्जिंग ऑफ बॉडी बाय कंडक्शन। सपोज कीजिए ये हमारा एक चार्ज बॉडी है, चार्ज्ड बॉडी से इस पर चार्ज कितना, देखिए क्यू। हम लोग यहां पे क्या लेते हैं, देखिए एक अनचार्ज्ड बॉडी, अनचार्ज्ड बॉडी। जब हम लोग चार्जिंग यानी एक चार्ज बॉडी को कनेक्ट करते हैं किसी कंडक्टिंग वायर से, कंडक्टिंग वायर या कंडक्टिंग मटेरियल, तो होता क्या है फ्रेंड्स कि कुछ चार्ज इस चार्ज बॉडी से ट्रांसफर होता है एक अनचार्ज बॉडी की तरफ। द ट्रांसफर ऑफ चार्ज, ट्रांसफर ऑफ चार्ज फ्रॉम वन बॉडी टू अनदर बॉडी अंटिल व्हेन पोटेंशियल ऑफ बोथ बॉडी becomes equal, यानी एक हायर पोटेंशियल बॉडी से लोअर पोटेंशियल बॉडी तक चार्ज तब तक ट्रेवल करता है, यानी तब तक ट्रांसफर होता है जब तक यानी दोनों बॉडी के पास सेम पोटेंशियल ना हो जाए। यदि स्टूडेंट्स हम लोग इनिशियली अगर पोटेंशियल को देखें तो इसके पास हमारा पोटेंशियल है, से इस बॉडी को हम लोग नाम दे रहे हैं ए, इसको नाम दे रहे हैं क्या बी। तो इनिशियल पोटेंशियल ऑन ए, इनिशियल पोटेंशियल ऑन ए, वी ए हमारा कितना हो जाए, देखिए के क्यू डिवाइड बाय आर, से इसका रेडियस कितना है आर, इसका रेडियस कितना मान लेते हैं देखिए आर, तो के क्यू बाई आर। इनिशियल पोटेंशियल ऑन बी तो वी बी इक्वल्स टू जीरो, क्योंकि इसका चार्ज कितना है जीरो, देयरफॉर वी ए ग्रेटर देन वी बी। तो चार्ज का ट्रांसफर स्टूडेंट्स हमेशा हायर पोटेंशियल से किसकी तरफ होगा, लोअर पोटेंशियल की तरफ। तो हम लोगों ने मान लिया यहां से चार्ज का एक चार्ज क्यू यानी हाई पोटेंशियल बॉडी से किसके तरफ आया, लो पोटेंशियल की तरफ। ये तब तक चलेगा जब तक दोनों का पोटेंशियल इक्वल ना हो जाए। तो हम लोग क्या देखेंगे सर, देखें एट एनी टाइम टी वी ए इक्वल हो जाएगा किसके, वी बी के। तब लोग क्या लिखेंगे देखिए स्टूडेंट्स, यहां पे जब क्यू चार्ज जब ट्रांसफर हो गया फ्रॉम ए से, तो इसके पास जो चार्ज बचा क्यू माइनस कितना बचा क्यू, इसके पास चार्ज कितना जमा हो गया क्यू। तो पोटेंशियल लिखेंगे कितना स्टूडेंट, देखिए के क्यू माइनस स्मॉल क्यू डिवाइड बाय आर इक्वल टू के स्मॉल क्यू डिवाइड बाय आर। के से के क्या हो गया कैंसिल, आर से आर भी क्या हो गया फ्रेंड्स कैंसिल। तो हम क्या देख रहे हैं क्यू माइनस स्मॉल क्यू इक्वल टू क्यू, चेक करेंगे तो क्यू इक्वल टू कितना आएगा देखिए फ्रेंड्स टू क्यू, तो स्मॉल क्यू का वैल्यू आ गया कैपिटल क्यू बाय टू। तो स्टूडेंट्स फाइनली चार्ज ऑन ए एंड बी इज कितना होगा, देखिए ए पे हमारा चार्ज है क्यू माइनस क्यू, तो क्यू माइनस क्यू का वैल्यू आया है कैपिटल क्यू बाई टू। तो आंसर कितना है स्टूडेंट्स, देखिए क्यू बाई टू, यानी ए पे चार्ज कितना बचेगा क्यू बाई टू, एंड बी पे चार्ज कितना था देखिए स्टूडेंट्स क्यू, क्यू इक्वल टू है क्यू बाई
टू। तो फाइनली स्टूडेंट्स ए के पास चार्ज हो जाएगा क्यू बाई टू एंड बी के पास चार्ज कितना होगा स्टूडेंट्स क्यू बाई टू। तो स्टूडेंट्स हम लोग क्या देख रहे हैं कि एक चार्ज बॉडी से दूसरे अनचार्ज बॉडी को बाय यूजिंग कंडक्शन कैसे चार्ज किया गया। तो क्या मेथड है स्टूडेंट्स देखे कि चार्ज जो है वो हमेशा हायर पोटेंशियल बॉडी से लोअर पोटेंशियल बॉडी की तरफ ट्रांसफर होता है जब इसको हम लोग टच कराते हैं किसी कंडक्टिव मटेरियल से। तो यहां पर समराइज कर लेते हैं एंड अनचार्ज्ड बॉडी और करके लिखते हैं चार्ज्ड बॉडी इज चार्ज्ड बाय यूजिंग अ चार्ज्ड बॉडी बाय कंडक्शन by connecting together it by a conducting wire or physical contact यानी एन अनचार्ज बॉडी और चार्ज बॉडी इज चार्ज बाय यूजिंग अ चार्ज बॉडी बाय कनेक्टिंग टुगेदर बाय अ कंडक्टिंग वायर और फिजिकल कॉन्टेक्ट। दस द मेथड ऑफ चार्जिंग अ बॉडी is called charging by conduction। स्टूडेंट्स इसे हम लोग कहते हैं चार्जिंग बाय कंडक्शन। तो स्टूडेंट्स हम लोग को एक फॉर्मूला याद रखना है इसमें कि पोटेंशियल ड्यू टू पॉइंट चार्ज at a distance r is kq by r। इसे को क्या बोलते हैं स्टूडेंट्स पोटेंशियल बोला जाता है। तो इस फॉर्मूला को हम लोग क्या करेंगे याद करेंगे पोटेंशियल ड्यू टू पॉइंट चार्ज एट अ डिस्टेंस r इज v इक्वल टू kq अपॉन r। नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं। सपोज कीजिए ये हमारा बॉडी ए है जिसकी रेडियस कितना है आर, इस पे चार्ज है क्यू वन। बॉडी ए जब एक दूसरा बॉडी है आइडेंटिकल है रेडियस कितना है आर, इस पे चार्ज है कितना क्यू टू। ये बॉडी कितना है बी यानी दोनों चार्ज बॉडी है। इफ Q1 greater than क्या है Q2 ऐसा हमने assume कर लिया। तो assume कीजिए assume Q1 is greater than Q2। यदि फ्रेंड्स हम लोग पोटेंशियल लिखना चाहें VA initially VA equals to कितना जाएगा K Q1 divided by R। VB कितना हो जाएगा ये हो जाएगा K Q2 डिवाइड बाई R। स्टूडेंट्स आप देख सकते हैं दोनों में K का वैल्यू सेम हो गया, R हमेशा दोनों का क्या है सेम है, Q1 और Q2 में Q1 बड़ा है Q1 ग्रेटर देन Q2 सो VA ग्रेटर देन VB। तो स्टूडेंट्स हमारा चार्ज जो होगा वो ट्रांसफर होगा फ्रॉम A टू B। दिस इंप्लाइज दैट चार्ज इज
transferred from A to B. कब तक? Till both have same potential. Both have same potential. Till both have same potential. Suppose करते हैं, जब हम इसको एक conducting material से connect करते हैं, ये हमारा क्या है? Conducting material. जब इन्हें इसको कंडक्ट किया किसी कंडक्टिव मटेरियल से एक चार्ज ट्रांसफर हो गया फ्रॉम ए टू बी, कब तक चलेगा? जब तक दोनों को पोटेंशियल क्या रहेगा स्टूडेंट्स? इक्वल. तो से वी ए इक्वल टू वी बी एट एनी टाइम टी. यदि स्टूडेंट्स पोटेंशियल लिखना चाहे ए का, तो बनेगा के क्यू वन माइनस स्मॉल क्यू डिवाइडेड बाई आर इक्वल टू के क्यू टू माइनस Q, ये प्लस हो जाएगा Q2 माइनस Q डिवाइडेड बाय R. अब देखिएगा जब यहां से चार्ज निकलेगा तो इसके पास चार्ज बनेगा Q1 माइनस Q रह जाएगा, इसके पास चार्ज हो जाएगा Q2 प्लस का कितना Q. K से K कैंसिल, R से R कैंसिल, Q1 माइनस Q इक्वल टू Q2 प्लस का Q. इस Q1 को इधर ले जाइए, Q1 माइनस Q2 इक्वल टू टू क्यू. यहां से चेक कीजिएगा तो हमारा स्मॉल Q का वैल्यू निकल के आ रहा है Q1 माइनस Q2 डिवाइडेड बाय 2. फाइनली चार्ज ऑन Q1 माइनस Q, चार्ज ऑन ए था हमारा कितना, इसमें देखे Q1 माइनस Q, चार्ज ऑन B था Q2 प्लस का कितना Q. तो इसमें लोग फाइनली चार्ज ऑन A देखते हैं तो वह आ जाएगा कितना, देखे QA आ जाएगा हमारा Q1 माइनस Q, Q1 माइनस का Q का वैल्यू कितना निकल गया था, तो Q1 माइनस Q2 डिवाइडेड बाय 2. जब आप इसे सिंप्लीफाई करोगे तो यह आंसर आ जाएगा Q1 प्लस Q2 डिवाइडेड बाय 2. चार्ज ऑन B आ जाएगा फाइनली Q2 प्लस का Q, Q2 कितना है Q2 प्लस का Q का वैल्यू निकल के आया है Q1 माइनस Q2 डिवाइडेड बाय 2. जब आप इसे सिंप्लीफाई करोगे तो आफ्टर सिंप्लीफिकेशन आंसर आ जाएगा Q1 प्लस Q2 डिवाइडेड बाय 2. यदि स्टूडेंट्स मान लीजिए हमारे पास एक स्फीयर है A जिसका रेडियस है कितना R, एक दूसरा स्फीयर है B जिसका रेडियस कितना है देखे R, इस पर चार्ज है प्लस का Q1, इस पर चार्ज है माइनस का Q2. यदि दोनों को हम लोग किसी कनेक्टिव मटेरियल से क्या कर दे, टच कर दे, कंडक्टिंग मटेरियल असे एज्यूम कर लीजिए कि Q1 ग्रेटर देन है किसे Q2 से, तो हमसे स्टूडेंट पूछा गया फाइंड फाइनल चार्ज ऑन ए एंड बी. फाइनल चार्ज ऑन ए एंड बी, तो स्टूडेंट हम लोग कह सकते हैं देखिए पोटेंशियल एट ए, इनिशियली वी ए को लिखा जा सकता है देखिए के क्यू वन डिवाइडेड बाई आर, एंड बी पोटेंशियल एट बी लिखा जा सकता है के क्यू टू डिवाइडेड बाई आर, ये नेगेटिव के साथ. स्टूडेंट्स हम लोग देख रहे हैं कि ए का पोटेंशियल ज्यादा और बी का पोटेंशियल क्या है कम, यानी वी ए ग्रेटर देन वी बी, सो चार्ज इज ट्रांसफर फ्रॉम स्टेयर ए टू स्टेयर बी. मान लेते हैं किसी पर्टिकुलर टाइम में यहां से कितना चार्ज ट्रांसफर हुआ ए, तो एट एनी टाइम टी एट एनी टाइम टी पोटेंशियल ऑफ ए बिकम्स पोटेंशियल ऑफ क्या बी. ए का पोटेंशियल लिखा जा सकता है के क्यू वन माइनस क्यू डिवाइडेड बाई कितना, इसमें देखिए आर इक्वल हो जाएगा के क्यू टू माइनस के साथ, और ये हो जाएगा प्लस का कितना क्यू डिवाइडेड बाई कितना, इसमें देखिए आर, तो के से के और आर से आर क्या हो गया कैंसिल, तो क्यू वन प्लस क्यू टू इक्वल टू टू क्यू
तो q का वैल्यू आ जाएगा q1 प्लस q2 डिवाइडेड बाय कितना स्टूडेंट देखे 2। तो फाइनली स्टूडेंट्स जो हमारा ए पे चार्ज होगा, फाइनली चार्ज ऑन ए जो हो जाएगा वो होगा, यहां पे चार्ज कितना बचेगा देखे q1 माइनस का q, यहां पे कितना हो जाएगा माइनस का q2 प्लस का कितना q, तो ये होगा q1 माइनस का q, दैट इज q1 माइनस का q1 प्लस का q2 डिवाइडेड बाय 2। तो फाइनल जो चार्ज हो जाएगा वो हो जाएगा q1 माइनस का q2 डिवाइडेड बाय 2। उसी तरह चार्ज ऑन b जो हो जाएगा वो हो जाएगा माइनस का q2 माइनस प्लस का q, तो माइनस का q2 प्लस का q1 प्लस का q2 डिवाइडेड बाय 2। जब आप इसे सिंप्लीफाई करोगे तो देखिए कितना आ रहा है q1 माइनस का q2 डिवाइडेड बाय 2। ओके स्टूडेंट्स, अब स्टूडेंट्स फॉलो पढ़ने वाले हैं थर्ड, चार्जिंग ऑफ बॉडी बाय इंडक्शन। चार्जिंग ऑफ बॉडी बाय इंडक्शन, बाय इंडक्शन मेथड में स्टूडेंट्स हम लोग एक चार्ज बॉडी के सहारे किसी अनचार्ज बॉडी को चार्ज करते हैं विदाउट एनी फिजिकल कॉन्टेक्ट। बाय दिस मेथड वी कैन चार्ज एन अनचार्ज्ड बॉडी बाय यूजिंग चार्ज्ड बॉडी विदाउट एनी फिजिकल कॉन्टेक्ट विदाउट एनी फिजिकल कॉन्टेक्ट से हम लोग क्या करते हैं, चार्ज रॉड को किसी अनचार्ज्ड बॉडी के पास लेकर जाते हैं, किसी अनचार्ज्ड बॉडी के पास। ये मैंने कैसा देखे अनचार्ज, या यू कहते हैं न्यूट्रल बॉडी, कैसा है न्यूट्रल बॉडी। स्टूडेंट्स हम लोग जानते हैं अ न्यूट्रल बॉडी हैज इक्वल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन, यानी एंड न्यूट्रल बॉडी हैज इक्वल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन। जैसे ही स्टूडेंट्स हम लोग किसी एक पॉजिटिवली चार्ज नोड को एक न्यूट्रल बॉडी के नजदीक लाते हैं, नियर टू इट जैसे इसके नजदीक लाते हैं तो होता क्या है कि इस न्यूट्रल बॉडी के अंदर जितने भी नेगेटिव चार्ज है यानी इलेक्ट्रॉन है वो सब के सब अट्रैक्ट हो जाते हैं टुवर्ड्स द नियरर फेस के नजदीक सारे अट्रैक्ट हो गए। जितने भी पॉजिटिव चार्ज थे यानी प्रोटॉन थे या पॉजिटिव चार्ज थे वो सबके सब क्या हो जाते हैं, रिपेल्ड हो जाते हैं टुवर्ड्स द फार फेस। जैसे ही स्टूडेंट्स हम लोग क्या करेंगे, इस फार फेस को अर्थिंग करेंगे तो अर्थिंग का मतलब क्या है स्टूडेंट्स कि अर्थिंग करने से इलेक्ट्रॉन का क्या होगा स्टूडेंट्स, ट्रांसफर होगा बॉडी के पास, या बॉडी से इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होगा किधर, अर्थ की तरफ। यदि स्टूडेंट्स क्या हो कि एक सरफेस जिसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज हो, यदि उसे स्टूडेंट्स हम लोग अर्थक करते हैं यानी अर्थिंग करते हैं तो होता क्या है कि अर्थ से इलेक्ट्रॉन ट्रेवल करता है किसके तरफ, पॉजिटिव चार्ज प्लेट की तरफ। ये हमारा कैसा पॉजिटिव चार्ज प्लेट। यदि स्टूडेंट्स हमारा सरफेस नेगेटिवली चार्ज बॉडी हो और उसे हम लोग अर्थ कर ले तो होता क्या है कि इलेक्ट्रॉन ट्रेवल करता है फ्रॉम नेगेटिवली चार्ज बॉडी टू द अर्थ, नेगेटिवली चार्ज बॉडी से किसके तरफ, अर्थ की तरफ। ये हमारा कैसा चार्ज बॉडी है, नेगेटिवली चार्ज सरफेस,
negatively charged surface. अब स्टूडेंट्स हम लोग यहां देख रहे हैं कि जब इस चार्ज सरफेस को कनेक्ट कर दिया गया अर्थ से, जिसे हम लोग अर्थिंग नाम दे रहे हैं, तो होता क्या है कि इलेक्ट्रॉन ट्रेवल होता है फ्रॉम अर्थ से टुवर्ड्स किसके तरफ, पॉजिटिव सरफेस ऑफ द प्लेट की तरफ. और ये जितने भी इलेक्ट्रॉन है, जितने भी हमारा पॉजिटिव चार्ज है, इस इलेक्ट्रॉन से क्या हो जाता है, कैंसिल आउट हो जाते हैं और टोटल का टोटल इस सर्फेस के ऊपर कैसा चार्ज रहता है, नेगेटिव चार्ज रहता है. जहां पे हमारा रॉड है, पॉजिटिव ग्लास रॉड यानी पॉजिटिव रॉड है इस तरह से. जब स्टूडेंट्स हम लोग क्या करेंगे, इस पॉजिटिव चार्ज को यानी जो हमारा रॉड है उसको यहां से बाहर हटाते हैं, तो हटाने के बाद इसके ऊपर जितने भी चार्ज होते हैं नेगेटिव चार्ज, वो सब पे सब यहां पे क्या हो जाता है स्टूडेंट्स, डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है. इस तरह से स्टूडेंट्स हमने क्या किया, एक न्यूट्रल बॉडी को चार्ज कर दिया कैसा, नेगेटिव नेगेटिव नेगेटिवली चार्ज बॉडी. कैसा चार्ज बॉडी हो गया स्टूडेंट्स, नेगेटिवली चार्ज बॉडी. यानी इसको हमने ग्लास रॉड को थोड़ा सा तोड़ लिया. तो इस तरह से स्टूडेंट्स हम लोग किसी भी अनचार्ज बॉडी को या न्यूट्रल बॉडी को चार्ज करते हैं किसी चार्ज बॉडी के सारे. स्टूडेंट्स आप देख सकते हैं कि जैसे ही हम लोगों ने पॉजिटिव चार्ज लाया, तो पॉजिटिव चार्ज को नजदीक लाते हैं किसी न्यूट्रल बॉडी के, तो उसके नियर फेस पे कैसा चार्ज आता है, नेगेटिव यानी अपोजिट टू द चार्ज ग्लास चार्ज रॉड. और फार फेस पे कैसा जाता है, सिमिलर चार्ज आता है. जब हम इसको अर्थिंग करते हैं तो फार फेस के जितने भी चार्ज है वो न्यूट्रलाइज हो जाते हैं. और फाइनली हमारे उस बॉडी के पास जब हम लोग चार्ज रॉड को दूर ले जाते हैं, तो उस चार्ज के ऊपर जितने भी हमारे नेगेटिव चार्ज होते हैं यानी अपोजिट टू द चार्ज रॉड, वो सारे के सारे यहाँ पे क्या हो जाते हैं, डिस्ट्रीब्यूट हो जाते हैं. और फाइनली हमारा ये बॉडी कैसा हो जाता है, उससे ये अपोजिट चार्ज का क्या हो जाता है, चार्ज हो जाता है. यहाँ पे अगर हम लोग पॉजिटिव लेके आते हैं तो इस बॉडी के पास कैसा चार्ज आ गया, नेगेटिव आ गया. सपोज यदि हम लोग नेगेटिवली चार्ज बॉडी को किसी न्यूट्रल बॉडी के नजदीक लाते हैं, तो फाइनली फाइनली बाय इंडक्शन हमारा जो बॉडी होता है इसके ऊपर कैसा चार्ज डिस्ट्रीब्यूट हो जाता, पॉजिटिवली चार्ज डिस्ट्रीब्यूट हो जाता. तो इस तरह से स्टूडेंट्स हम लोग एक न्यूट्रल बॉडी को चार्ज करते हैं बिना किसी फिजिकल कॉन्टेक्ट के. यदि स्टूडेंट्स हमें किसी बॉडी को चार्ज करना हो विदाउट एनी फिजिकल कॉन्टेक्ट, तो हमें उस बॉडी को चार्ज करने का जो मेथड दिया गया है वो कौन सा मेथड है, चार्जिंग बाय इंडक्शन. इंडक्शन करने से हमारा बॉडी क्या हो जाता है स्टूडेंट्स, चार्ज हो जाता है. पार्टिकुलर स्टूडेंट्स व्हेन वी ब्रिंग पॉजिटिवली चार्ज्ड रॉड नियर टू अनचार्ज्ड और न्यूट्रल बॉडी, then by induction near face of neutral body get charged
by negative charge and far face of neutral body gets charged by positive charge. Next point, when we earthed the far face and get back the charged rod, then negative charge get distributed over the neutral body by this way uncharged or neutral body get charged. इस तरह से स्टूडेंट्स हम लोग न्यूट्रल बॉडी को चार्ज करते हैं विदाउट एनी फिजिकल कॉन्टेक्ट के. ओके, स्टूडेंट्स हमने यहां पे क्या देखा, जब भी किसी बॉडी को चार्ज किया जाता है बाय यूजिंग इंडक्शन या बाय यूजिंग कंडक्शन, तो हमारा चार्ज जो है वो मटेरियल के ऊपर डिस्ट्रीब्यूट होता है या किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट पे वो जाकर जमा हो सकता है. वो डिपेंड करता है कि बॉडी का मटेरियल किस तरह का है. तो नेक्स्ट पॉइंट स्टूडेंट्स हम लोग पढ़ेंगे मटेरियल ऑन द बेसिस ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज. मटेरियल ऑन द बेसिस ऑफ टाइप्स ऑफ मटेरियल, मटेरियल ऑन द बेसिस ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज. मटेरियल ऑन द बेसिस ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज. एक्चुअल में स्टूडेंट्स मटेरियल तीन तरह के होते हैं. फर्स्ट कंडक्टर, सेकेंड इंसुलेटर, या इसी को स्टूडेंट्स हम लोग नॉन कंडक्टर बोलेंगे, नॉन कंडक्टर. थर्ड सेमीकंडक्टर. स्टूडेंट्स यहां पे हम लोग दो कंडक्टिव मटेरियल के बारे में पढ़ेंगे. फर्स्ट हमारा कंडक्टर और सेकेंड क्या होगा, इंसुलेटर या नॉन कंडक्टर. सेमी कंडक्टर के बारे में स्टूडेंट्स हम लोग सेमी कंडक्टर फिजिक्स में पढ़ेंगे. ओके, तो सबसे फर्स्ट हम लोग पढ़ते हैं कंडक्टर. स्टूडेंट्स कंडक्टर वो मटेरियल होते हैं जिसके पास हाई अमाउंट ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं. यानी कि कंडक्टर एक ऐसा मटेरियल है जिसके पास हाई अमाउंट ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं एंड इनसाइड
कंडक्टर इनसाइड कंडक्टर दिस फ्री इलेक्ट्रॉन्स these free electrons flows and conduct electricity and conduct and conduct electricity. इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं. फॉर एग्जाम्पल मेटल्स कॉपर एल्यूमिनियम आयरन एक्सेट्रा, यानी जितने भी मेटल्स हैं वो सारे के सारे हमारे कैसे मटेरियल होते हैं स्टूडेंट्स, कंडक्टिव मटेरियल होते हैं, जिसके पास हाई अमाउंट में क्या होता है फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं. इनसाइड द कंडक्टर ये सारे के सारे इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं फ्लोस करते हैं, जिसके वजह से इलेक्ट्रिसिटी क्या होता है कंडक्ट होता है. नेक्स्ट पॉइंट क्या है स्टूडेंट, देखिए यदि हम लोग इफ अ चार्ज इज गिवन टू कंडक्टिंग मटेरियल यदि स्टूडेंट्स हम लोग एक चार्ज को किसी कंडक्टिव मटेरियल को दे दे, देन इट डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर द कंडक्टिंग सरफेस ओवर द कंडक्टिंग बॉडी या सरफेस ऑफ द कंडक्टिंग बॉडी ओवर द सरफेस ऑफ कंडक्टिंग मटेरियल. इसका यह मतलब है स्टूडेंट्स, यदि हम लोग किसी कंडक्टिंग मटेरियल को कोई चार्ज देते हैं तो वह पूरा का पूरा चार्ज उसके सरफेस पे आ जाता है. दिस मीन्स ऑल चार्ज resides over the conducting material. This means that inside the conducting material inside the conducting material there is no charge, यानी कि material के conducting material के inside कोई भी charge नहीं होता है. स्टूडेंट्स यहां पर हम लोग देख रहे हैं कि ये charge जितने भी होते हैं वो सारे के सारे charge वो distribute हो जाते हैं material यानी conducting material के surface पे. अब ये जो distribution है स्टूडेंट्स वो दो तरह के हो सकते हैं, या तो यूनिफॉर्म या नॉन यूनिफॉर्म. द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज ऑन कंडक्टिव मटेरियल या ओवर द कंडक्टिव मटेरियल मे बी यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म. डिपेंडिंग ऑन सरफेस ऑफ कंडक्टिव मटेरियल. यदि स्टूडेंट्स
हमारा सरफेस, इफ सरफेस ऑफ कंडक्टिंग मटेरियल इज यूनिफॉर्म देन डिस्ट्रीब्यूशन इज यूनिफॉर्म, देन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज इज यूनिफॉर्म, अदरवाइज नॉन यूनिफॉर्म। यदि स्टूडेंट्स हमारा सरफेस यानी उस कंडक्टिव मटेरियल का सरफेस यदि यूनिफॉर्म है यानी सिमेट्रिक है, यूनिफॉर्म और यहां लिख देते हैं और सिमेट्रिक, देन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज इज यूनिफॉर्म अदरवाइज नॉन यूनिफॉर्म। The distribution of charge on conductive material, on the surface of conductive material is inversely proportional to the distribution of charge on the surface of conductive material depends on surface charge distribution. The surface charge distribution is inversely proportional to radius of curvature of conducting surface. R क्या है हमारा? Radius of curvature of conducting surface. यदि स्टूडेंट्स रेडियस ऑफ कर्वेचर की वैल्यू ज्यादा हो तो उस समय सरफेस चार्ज डेंसिटी क्या होता है स्टूडेंट्स? लो होता है। इसका मतलब यह हुआ स्टूडेंट्स कि उस पर्टिकुलर पॉइंट पे चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन क्या होगा स्टूडेंट्स? कम होगा, यानी सिग्मा जो होता है वो होता है क्यू अपॉन एरिया। क्यू अपॉन क्या होता है स्टूडेंट्स? एरिया। यदि हमारा रेडियस ऑफ कर्वेचर कम हो तो उस पर्टिकुलर पॉइंट पे चार्ज का जो डिस्ट्रीब्यूशन होगा कितना होगा फ्रेंड्स? ज्यादा होगा, यानी सरफेस चार्ज डेंसिटी ज्यादा होगा। अब देख सकते हैं फ्रेंड्स, सपोज कीजिए ये हमारे पास एक सिमेट्रिक कंडक्टिंग मटेरियल और एक हमारे पास नॉन सिमेट्रिक कंडक्टिंग बॉडी है। यदि हम लोग कोई चार्ज इस बॉडी को दे से क्यू और इस बॉडी को कोई चार्ज दे से क्यू, तो स्टूडेंट्स हम लोगों ने क्या पढ़ा था कि जब भी किसी मटेरियल को यानी कंडक्टिव मटेरियल को यदि आप चार्ज देते हो तो वो सारा का सारा चार्ज उस सरफेस पे यानी उस बॉडी के इनसाइड ऑर्डर करके कहां पे डिसाइड हो जाता है? इसके सरफेस पे। तो ये सारा का सारा चार्ज इसके सरफेस पे आएगा और सरफेस पे आने के बाद ये डिस्ट्रीब्यूट होगा आइदर यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म। यदि हमारा सरफेस ऑफ द कंडक्टिव मटेरियल यदि सिमेट्रिक है तो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज कैसा हो जाएगा स्टूडेंट्स? यूनिफॉर्म हो जाएगा। सही, अगर ये पॉजिटिव मानते हैं तो सारा का सारा पॉजिटिव चार्ज यूनिफॉर्म रूप से इस हाईली सिमेट्रिक बॉडी के ऊपर डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, यानी इन साइड यहां पर कोई चार्ज
नहीं बचेगा, सारा सारा चार्ज रिसाइड हो जाएगा ऑन द सरफेस ऑफ सिमेट्रिक बॉडी यूनिफॉर्म रूप से। यहां पे देख रहे हैं स्टूडेंट्स, यदि हम कोई चार्ज देते हैं, पॉजिटिव चार्ज क्यू दे रहे हैं इस सरफेस को, नॉन यूनिफॉर्म सरफेस को, तो यहां से चार्ज डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा इसके सरफेस पे। किस तरह से डिस्ट्रीब्यूट होगा? नॉन यूनिफॉर्म। नॉन यूनिफॉर्म में स्टूडेंट्स हम लोग जानते हैं उस पॉइंट पे चार्ज का वैल्यू ज्यादा होगा जहां पे रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या है स्टूडेंट्स, कम है। तो आप देख सकते हो इस पॉइंट पे रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या है, कम है। तो यहां पे चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन ज्यादा होगा और इस तरफ चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन क्या होगा स्टूडेंट्स, कम होगा। तो स्टूडेंट्स ये हमारा कौन सा सरफेस था? कंडक्टिव मटेरियल था, कंडक्टिव मटेरियल, यानी ये सिमेट्रिक सरफेस है, सिमेट्रिक कंडक्टिव मटेरियल। ये नॉन सिमेट्रिक कंडक्टिव मटेरियल है। यहां पर डिस्ट्रीब्यूशन है स्टूडेंट्स नॉन यूनिफॉर्म है, नॉन यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन, और यहां पे किस तरह से हुआ स्टूडेंट्स, यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन। सपोज कीजिए यह हमारा एक कंडक्टिंग सरफेस है, कंडक्टिंग स्फेरिकल सेल, कंडक्टिंग स्फेरिकल सेल, इसके ऊपर एक चार्ज है इस सरफेस के ऊपर प्लस का क्यू। एट द सेंटर ऑफ कंडक्टिंग स्फेरिकल सेल एक हम लोग पॉजिटिव चार्ज रखते हैं से क्यू। हमसे पूछा गया है स्टूडेंट्स व्हाट इज द चार्ज inside or inside and outside the conducting spherical surface, the conducting spherical shell। सपोज कीजिए ये रेडियस हमारे लिए a है और इस बाहर वाले का रेडियस कितना है स्टूडेंट्स, b, यानी b इज ग्रेटर देन a। स्टूडेंट्स हम लोग जानते हैं कि जब भी किसी कंडक्टिंग बॉडी को किसी चार्ज के नजदीक रखा जाता है विदाउट एनी फिजिकल कॉन्टेक्ट, तो बाय यूजिंग इंडक्शन उस कंडक्टिंग बॉडी के पास चार्ज आ जाता है, यानी नियर फेस पे अपोजिट टू द चार्ज और फास्ट फेस पे सिमिलर टू द चार्ज। तो यहां पे स्टूडेंट्स हम लोग क्या देखते हैं, बाय यूजिंग इंडक्शन इस वाले सरफेस पे कैसा चार्ज आ जाएगा, देखिए नेगेटिव चार्ज, और इस वाले सरफेस पे कैसा आएगा स्टूडेंट्स, पॉजिटिव चार्ज। चूंकि स्टूडेंट्स यहां पर सरफेस कैसा है, कंडक्टिंग है, तो ये सारा का सारा चार्ज इस कंडक्टिव मटेरियल के बाहर रिसाइड हो जाएगा, ये पूरा पूरा पॉजिटिव चार्ज इस कंडक्टिव मटेरियल के बाहर रिसाइड हो जाएगा और ये डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा आइदर यूनिफॉर्मली और नॉन यूनिफॉर्मली, वो डिपेंड करता है कि बाहर का सरफेस किस तरह का है। यदि सरफेस सिमेट्रिक है तो यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन, यदि सरफेस हमारा नॉन सिमेट्रिक है
तो नॉट डिस्ट्रीब्यूशन यानी उसका जो नॉन यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन हो जाएगा। तो आप देख सकते हैं फ्रेंड्स इन साइड द सर्फेस हमारा टोटल का टोटल चार्ज कितना है माइनस ऑफ क्यू। तो आप देख सकते हैं फ्रेंड्स कि क्यू इन साइड जो डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है वो नेगेटिव ऑफ क्यू हो रहा है और क्यू आउटसाइड वो हो रहा है कितना है फ्रेंड्स देखिए प्लस का क्यू और पहले से भी एक चार्ज है कितना प्लस का क्यू। तो हमारा टोटल चार्ज देखिए फ्रेंड्स कितना हो गया इन साइड आ रहा है माइनस क्यू एंड आउट साइड आ रहा है स्मॉल क्यू प्लस कैपिटल क्यू। ये ए ये रेडियस बी ये रेडियस को हम लोग मानते सी इस रेडियस को मानते कितना देखे डी। हम लोग देख रहे हैं कि ए छोटा है पी से बी छोटा है सी से और छी छोटा है किसे डी से। ये सारा का सारा सरफेस कंडक्टिंग स्फेरिकल शेल है ये भी हमारा कंडक्टिंग स्फेरिकल शेल है। सपोज कीजिए इसके सेंटर पे हम लोग एक चार्ज दे रहे हैं माइनस है कितना क्यू माइनस का क्यू। इस सरफेस पे स्टूडेंट्स हम लोग चार्ज दे रहे हैं से क्यू और इस सरफेस पर चार्ज दे रहे हैं कितना देखे बाहर से टू क्यू। हमसे पूछा गया है सपोज कीजिए इस मटेरियल को हम लोग नाम दे रहे हैं ए इस मटेरियल को नाम दे रहे हैं क्या बी। हमसे क्वेश्चन पूछा गया है फाइंड चार्ज ऑन क्यू ए इनर फेस पे क्यू ए आउटर फेस पे क्यू बी इनर फेस पे क्यू बी आउटर फेस पे ये चार्ज हमसे पूछा गया है। फाइंड चार्ज ऑन ए एट इनर फेस फाइंड चार्ज ऑन ए ऑन आउटर फेस फाइंड चार्ज ऑन बी इन इनर फेस फाइंड चार्ज ऑन बी ऑन आउटर सरफेस। तो फ्रेंड्स हम लोग क्या देख रहे हैं कि बाय यूजिंग इंडक्शन इस पॉइंट पे हमारा चार्ज हो जाएगा कितना प्लस क्यू इस पॉइंट पे चार्ज हो जाएगा कितना देखे माइनस क्यू। ड्यू टू इंडक्शन इस सरफेस की वजह से यहां पे एक इंडक्शन होगा यहां पे चार्ज आ जाएगा कितना देखे माइनस ऑफ क्यू माइनस ऑफ क्यू यहां पे चार्ज हो जाएगा प्लस का क्यू माइनस ऑफ कितना क्यू। तो आप स्टूडेंट्स देखिए टोटल चार्ज जो हो जाएगा हमारा इनर सरफेस पर कितना हो जाएगा देखिए इनर सरफेस पे हमारा चार्ज हो जाएगा प्लस क्यू इस पॉइंट पे चार्ज हो जाएगा हमारा क्यू माइनस ऑफ क्यू इस पॉइंट पे हमारा चार्ज हो जाएगा माइनस क्यू डेट इज क्यू प्लस का क्यू। बाहर वाले सरफेस पर चार्ज हो जाएगा 2q प्लस का क्यूब माइनस क्यूब तो कितना आंसर आ रहा है देखिए 3q माइनस का स्मॉल q। अब स्टूडेंट्स हम लोग नेक्स्ट पढ़ने वाले हैं नॉन कंडक्टिंग और इंसुलेटिंग मटेरियल।
सेकेंड पढ़ने वाले हैं नॉन कंडक्टिंग और इंसुलेटिंग मटेरियल. दीज आर दोज मटेरियल हैविंग हैविंग नेग्लिजिबल फ्री इलेक्ट्रॉन्स. दैट्स व्हाई देयर इज नो फ्री इलेक्ट्रॉन्स That's why there is no free electron or conduct electricity or conduct electricity. Example wood, plastic, etc. Yadi students, if we given a charge on non-conducting material, non-conducting material, then charge is accumulated at that place. Means there is no distribution of charge or we can say charge is present inside the non-conducting material. Say एक हमारा non-conducting material है non-conducting मटेरियल है. हम लोग क्या करते हैं, एक पॉजिटिव चार्ज इसको इस पॉइंट पे गिवन करा रहे हैं. तो ये सारा का सारा पॉजिटिव चार्ज स्टूडेंट्स इस पॉइंट पे क्या हो जाएगा, एकुमुलेट हो जाएगा. यदि स्टूडेंट्स हम लोग नेगेटिव चार्ज इस पॉइंट पे यदि हम लोग इसको गिवन करें तो ये सारा का सारा नेगेटिव चार्ज इस पॉइंट पे क्या हो जाता है, एकुमुलेट हो जाता है. तो ये स्टूडेंट्स हमारा कहलाता है नॉन कंडक्टिंग मटेरियल.